ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स वॉइस वीडियो और स्क्रीन का इनपुट दे देना आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 26 पे आपको दे रखा है पीजीबीपी। ठीक है चलिए। सो बेसिकली पहले ना मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि पीजीबीपी को डील कैसे करना। सो है ना एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा ही आपको पीजीबीपी का, तो वो वाला जो क्वेश्चन होगा ना वो होगा लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके साथ आपको एक स्मॉल सेक्शन वाला भी कुछ पूछ सकते हैं। अभी स्मॉल सेक्शन में वो लोग ज्यादातर या तो आपको सेक्शन 35 पूछेंगे या सेक्शन 35AD पूछेंगे, और अगर थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके पूछना है तो 33AB भी पूछ सकते हैं, वो टी कॉपी रबर वर्क, जिसमें टी को में अंदर कुछ अमाउंट क्या होती थी पार्शियली एग्रीकल्चर होता था और कुछ अमाउंट क्या होता था नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है तो वो आ सकता है। तो ये स्मॉल सेक्शंस के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। स्मॉल सेक्शन से मेरा मतलब है स्मॉल क्वेश्चन। सेक्शन तो ये भी काफी बड़े हैं, बट स्मॉल क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आपको लार्ज क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लार्ज क्वेश्चन जो पीजीपी का बड़ा क्वेश्चन, तो मैंने आपको क्या बताया पहले ही कि आपको जब एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व करते हो, तो पेपर सॉल्व जब आप करने बैठते हो डीटी का, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी में क्या कंप्लीट करना है एमसीक्यू, उसके बाद उसका वो जो थियोरी वाला क्वेश्चन है जो डीटी में पूछा जाता है, ठीक है, वो आपको क्या करना है कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद आपको लास्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, तो लास्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है दोस्तों, पीजीबीपी के क्वेश्चन को देना है आखिरी प्रायोरिटी, समझ रहे हो। क्योंकि क्या होगा कि जो चीजें आपको आती है वो पहले कंप्लीट करोगे तो लास्ट में आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा कि जिसमें आप पीजीबी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो जैसे मैंने बताया कि लार्ज क्वेश्चन में वो लोग आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो आपको डिसअलाउंसेस पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं दोस्तों, डिसअलाउंसेस पूछेंगे। डिसअलाउंसेस मतलब क्या क्या जाएगा, अगर आपने कोई डिफॉल्ट वगैरह किया होगा तो वो डिफॉल्ट का पूछेंगे वो लोग, जैसे आपको सिखाया हुआ है अभी भी मैं बता दूंगा टीडीएस का डिफॉल्ट किया है, या फिर आपने क्या पे किया है कैश पेमेंट किया है, ठीक है, या तो फिर आपने क्या किया हुआ है सेक्शन 43B जिसमें पेमेंट करना आपका बाकी है, पेमेंट अभी तक आपने किया नहीं है, तो वो आ सकता है। तो लार्ज क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी टेक्निक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो स्टेप्स मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर में बताए बातें नहीं जो स्टेप्स मैंने आपको नॉर्मल लेक्चर में बताए क्या स्टेप्स आपको बताए थे कि आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, फिर क्रेडिट साइड जाना है, फिर एडजस्टमेंट में जाना है, फिर डेबिट साइड जाना है, तो मैं लास्ट में ब्रीफ कर दूंगा एक बार वापस से। बट आप लोग ध्यान रखना कि इस चैप्टर को डील करने के लिए थोड़ा स्किल डिफरेंट लेवल का चाहिए, ठीक है। सो नाउ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हम जो पढ़ रहे हैं वो उसका चार्जिंग सेक्शन है, मतलब आपका बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट बाय होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एट एनी टाइम मतलब अगर आपने कोई सीजनल बिजनेस किया है 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए 10 दिन के लिए आपने कोई सीजनल बिजनेस किया है, तो क्या लगता है आपको कि आपको बिजनेस इनकम होगी या नहीं होगी, होगी ना बिजनेस इनकम, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एनी कॉम्पनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय अ पर्सन, तो ये आपको कौन सी इनकम होगी, बिजनेस इनकम, जो सेक्शन 28 में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अभी पीजीबीपी के अंदर क्या होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग उन्होंने बताई है सेक्शन 145 के अंदर। तो कौन सी अकाउंटिंग मेथड आप फॉलो कर सकते हो, या तो आप मर्केंटाइल अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो मतलब अक्रूअल बेसिस वाला, या तो फिर आप कौन सा वाला कर सकते हो कैश। तो इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है कि आप कैश बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करो मेंटेन करो, ठीक है, बट मेजोरिटी केसेस में आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने वो कौन से बेसिस पे करने है, अक्रूअल बेसिस पे करना, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, तो उसमें आपको दे रखा है सेक्शन कहां से कहां तक का एप्लीकेशन करना है, 30 से लेकर 43B, ध्यान देना सब लोग। अभी सेक्शन 30 में उन्होंने क्या बताया था, रेंट रेट्स टैक्सेस पेड नॉट बीइंग द कैपिटल नेचर एंड द इंश्योरेंस ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब जो प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हो, रेट्स पे करते हो, इंश्योरेंस है, म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे करते हो, उसका रिडक्शन आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 30 के।
बट कौन से नेचर का नहीं होना चाहिए? कैपिटल नेचर का। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का होगा तो उसका आपको सेक्शन 32 में क्या मिलेगा पता होगा ना आपको, सेक्शन 32 में आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। सेक्शन 31 रिपेयर्स एंड द इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी एंड प्लांट एंड फर्नीचर। यहाँ पे आप देखोगे ना तो सेक्शन 30 में क्या लिखा था? बिल्डिंग लिखा था, बट यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। आ रहा है समझ में? तो ये रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस किसका है? प्लांट एंड फर्नीचर। ओके, तो ये ध्यान रख। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन ऑन ब्लॉक। चलिए ध्यान देना सब लोग यहां पे। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन जो आप अकाउंट्स में गिनते हो और इनकम टैक्स में गिनते हो उसमें अंतर काफी है। अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन होता है वो कौन से बेसिस पे होता है? असेट वाइज होता है। असेट वाइज मतलब आप असेट के बेसिस पे डेप्रिसिएशन गिनते हो, बट इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन आपको गिनना है वो असेट वाइज नहीं गिनना है। कैसे गिनना है? ब्लॉक वाइज। अभी आप सब लोगों को बताया कि ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ब्लॉक मीन्स क्या होता है? सेम ग्रुप ऑफ असेट जिसका डेप्रिसिएशन का रेट सब जगह क्या है? कॉमन। क्या है? डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है? कॉमन। उसको हमें एक पूल में डालना है और उस पूल के अंदर से हमें टैक्स का क्या मतलब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द ग्रुप ऑफ असेट हैविंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसमें की पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, असेट मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पस। किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए। असेट मस्ट बी ओन एंड द बेनिफिशियली ओन बाय द असेसी होल और क्या हो सकता है? पार्ट। अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए तो असेट आपके पास क्या होना चाहिए? ओनरशिप होना चाहिए। दूसरा, असेट आपको किस पर्पस के लिए यूज करना है? बिजनेस पर्पस के लिए यूज। डेप्रिसिएशन की रेट मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिए हैं ताकि आप एक बार याद करके जाओ। डेप्रिसिएशन का रेट रीड अपेंडिक्स। तो की रेट्स आपको दे रखे। बिल्डिंग में रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है तो कितना परसेंट? 5%। अदर बिल्डिंग पे कितना है? अदर बिल्डिंग के ऊपर कितना मिलेगा आपको? 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? 15। मोटर कार पे 15 है। बट अगर मोटर कार किसमें यूज हो रही है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है ओला या उबर में यूज हो रही है तो 30%। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर तो उसपे कितना परसेंटेज है? 40%। ठीक है ना। और इंटेंजिबल असेट्स है उसमें है नहीं बट कितना आएगा? 25%। आपको पता है कि अकाउंट्स में जब आप डेप्रिसिएशन गिनते हो तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे डेप्रिसिएशन होता है। इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन आपको गिनना होगा दोस्तों, वो कैसे गिनना होगा? तो आप जो असेट होगा उसका 50% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा अगर आपने असेट को कितने दिन से कम प्रोड्यूस किया है? 180 डेज से कम प्रोड्यूस किया है, बट ड्यूरिंग द ईयर इन विच इट इज अक्वायर्ड। मतलब ये एक्सेप्शन सिर्फ तभी काम करेगा जब, ध्यान से समझना, ये एक्सेप्शन तभी काम करेगा जब आपने जिस ईयर में असेट अक्वायर किया था और जिस ईयर में प्रोड्यूस किया था उस ईयर में 180 डेज से क्या होता है? कम। समझ में आ रहा है? बट मान लो कि जिस ईयर में अक्वायर किया और नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस किया और उस ईयर में 180 डेज से कम है, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन का रेट क्या मिलेगा? हाफ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? फुल। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 2020-21 में असेट लिया, ठीक है, कब लिया था? 31 मई 2021 को। उस असेट को पुट टू यूज कब किया? 21-22। 21-22 में भी कब किया? 31 दिसंबर 2022 को किया। तो अभी इस केस में 31 दिसंबर 2022 को किया तो इस ईयर में तो पुट टू यूज 180 डेज से क्या है? इस दिन 180 डेज से कम है ना, तो डेप्रिसिएशन का रेट हाफ मिलेगा या फुल मिलेगा? फुल मिलेगा। इस केस में हाफ नहीं मिलेगा। ये 180 डेज वाला एक्सेप्शन कब काम करता है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो तभी काम करेगा जब ये असेट आप जो परचेस करते हो और पुट टू यूज भी कौन से ईयर में करते हो? सेम ईयर। अगर डिफरेंट ईयर में करते हो तो फिर हाफ नहीं, फुल मिलेगा। इवन इफ इट इज लेस देन 180 डेज से क्या होता है? कम। फिर एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन। आप सब लोगों को पता होगा कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर मिलता है आपको? न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। और सिर्फ किसको मिलता है दोस्तों? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलता है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी तभी मिलता है जब उसने इंस्टॉलेशन कौन सी प्रीमाइसेस में किया हो, इंस्टॉलेशन कौन सी जगह पे किया हो, फैक्ट्री पे जब इंस्टॉलेशन किया हो तभी मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टॉल इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। दूसरा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा?
एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा अगर असेट 180 डेज से आपने क्या किया हुआ है, कम पुट टू यूज किया है तो। और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको किस पे मिलता है, लॉक पे मिलता है कि असेट की वैल्यू पे मिलता है, ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। मतलब जो 20% आप करोगे ना वो ब्लॉक वैल्यू का नहीं करोगे, 20% आपको किसका करना है, जो असेट आपने एक्वायर किया उसका करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल कॉस्ट के लिए मैंने एक सेक्शन आपको बताया था पीडीपीपी में, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में क्या है कि अगर आपको असेट के लिए कोई सब्सिडी मिलता है, ग्रांट मिलता है, तो उतनी वैल्यू आपको क्या करनी है, माइनस करनी। अगर आप कोई असेट अक्वायर करते हो तो उसका पेमेंट आपको किसमें करना है, चेक से करना है या तो ऑनलाइन करना है। अगर आपने कैश पेमेंट किया होगा तो उतनी वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जितनी वैल्यू आपने कैश में पे की। जैसे आपने 40 लाख रुपीज का कोई असेट अक्वायर किया है, कितने का 40, उसमें से 20 लाख रुपीज का पेमेंट आपने कैश में किया है, तो उस कॉम्पोनेंट को हम ब्लॉक में एड करेंगे नहीं, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप जब कोई असेट अक्वायर करते हो तो पेमेंट किसमें होना चाहिए, चेक से या तो फिर ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अ चेंज इन द बिजनेस लाइक अमालगमेशन और डीमर्जर और कन्वर्जन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, मतलब आपने आप जैसे कंपनी किसी और के साथ अमालगमेट हो गई है, या तो कंपनी जो थी पहले पार्टनरशिप फर्म थी अभी कंपनी में कन्वर्ट हुआ है, तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पे पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑन पेपर हम टाइटल को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन जो होगा ना उसको पहले कैलकुलेट करके वो डेप्रिसिएशन को नंबर ऑफ डेज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से बिजनेस में, नंबर ऑफ डेज। जैसे मान लो अमालगमेशन जो है वो अमालगमेशन हुआ है 1 सितंबर 2021 को अमालगमेशन, तो 1 सितंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक डेप्रिसिएशन किस कंपनी को मिलेगा, न्यू कंपनी को, उससे पहले किसको मिलेगा, ओल्ड कंपनी। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ डेज पे करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देन डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ डेज बेसिस। तो उसमें लिखा हुआ है अप टू द डेट ऑफ सबसेक्शन, अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन, तो किसको मिलेगा, ओल्ड पर्सन को। आफ्टर सक्सेशन किसको मिलेगा, न्यू पर्सन। कौन से बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से बेसिस पे मिलेगा, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे हम आपको क्या दे देंगे, डेप्रिसिएशन दे देंगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दो इसके क्वेश्चन भी है जो ध्यान रखना आपको। तो देखो मैं वापस बता देता हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, सेक्शन 32 में हमने डिस्कशन ये किया कि लाइक आपको जो डेप्रिसिएशन मिलता है, बातें मत करो, आपको जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है, ब्लॉक के ऊपर मिलता है कि असेट के ऊपर मिलता है, ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक की वैल्यू के ऊपर मिलता है। फिर इसको हम कैपिटल गेन में भी वापस डिस्कस करेंगे, आपको याद होगा कि अगर ब्लॉक ब्लॉक का वैल्यू या तो ब्लॉक एम्प्टी हो जाता है, कब, एज ऑन द विच डे, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ व्हाट, प्रीवियस, मतलब या तो ब्लॉक का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, या तो ब्लॉक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, एज ऑन द विच डे, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो उस केस में हम सेक्शन 50 में क्या करेंगे, उसका कैपिटल गेन में क्या करेंगे, कैलकुलेशन, किसमें कैलकुलेशन करेंगे, कैपिटल। बड़े कब की पोजीशन देखनी है आपको, कब की पोजीशन देखनी है, ड्यूरिंग द ईयर की देखनी है कि लास्ट डे की देखनी है, लास्ट। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर असेट पुट टू यूज 180 डेज से कम होगा तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, हाँ, बट वो सब वो कब एप्लीकेबल होगा, वो एक्सेप्शन तभी एप्लीकेबल होगा जिस ईयर में असेट खरीदा है और जिस ईयर में पुट टू यूज किया वो 180 डेज से क्या होता है, कम। बट अगर मान लो जिस ईयर में खरीदा है और वो 180 डेज नेक्स्ट ईयर वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर में पुट टू यूज किया और उस ईयर में 180 डेज से कम है, तो हाफ मिलेगा या फुल, फुल। डेप्रिसिएशन के रेट आप लोग याद रख लेना, ऐसे तो एग्जाम में दे रखे होंगे, और एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 35, एक्सपेंडिचर ऑन, क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च। तो अगर साइंटिफिक रिसर्च के पीछे आपको एक्सपेंस करते हो, ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप इनहाउस कर सकते हो एंड दूसरा आप क्या कर सकते हो,
आउटसाइडर को दे सकते। अभी इनहाउस का मतलब क्या होता है कि आप खुद ही इनहाउस साइंटिफिक रिसर्च करोगे, तो इनहाउस साइंटिफिक के लिए आपको लाइसेंसिंग लेना पड़ता है, रिसर्च लैब बनाना पड़ेगा, मशीनरीज लानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे तब जाके आप इनहाउस रिसर्च कर पाओ। तो इनहाउस रिसर्च में क्या होता है, खर्चा आपका तगड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने आपको ऐसा बोला कि अगर आप इनहाउस रिसर्च करते हो तो हम आपको 100% डिडक्शन देंगे ऑन द एक्विजिशन ऑफ योर असेट्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उन सबका हम आपको 100% क्या दे देंगे, डिडक्शन। सिर्फ एक ही चीज का नहीं देंगे, किसका, वैकेंट प्लॉट, जो प्लॉट आप अक्वायर करोगे उसका नहीं मिलेगा, बाकी सबका मिल जाएगा। बट मैंने ये भी बोला था उस टाइम पे कि वो तभी मिलेगा जब वो आपके बिजनेस के क्या हो दोस्तों, वो आपके बिजनेस के क्या हो, रिलेटेड हो। अगर मान लो अगर वो अनरिलेटेड होगा क्या होगा दोस्तों, अगर वो अनरिलेटेड होगा तो आपको इनहाउस का कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो इसमें लिखा है 100% डिडक्शन ऑन द केपेक्स इनकर्ड बाय एसएससी एक्सक्लूडिंग, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, इंक्लूडिंग द प्रायर पीरियड थ्री अप टू द थ्री इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ क्या होगा, बिजनेस, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा है कि इनहाउस नहीं करना है, या तो इनहाउस साइंटिफिक रिसर्च करते हो बट जिस नेचर का आपको रिसर्च करवाना है वो आपके यहाँ पे नहीं होता है, तो आपने सोचा कि पैसा बाहर दे देते हैं और रिसर्च करवाने के लिए हम बाहर पैसा दे देते हैं, तो आप किसको पैसा दे सकते हो दोस्तों, आउटसाइडर को भी दे सकते हो। तो अगर आप आउटसाइडर को दोगे ना, तो आउटसाइडर को जब आप रिसर्च के लिए क्या देते हो, पैसा देते हो, तो चाहे वो आपके बिजनेस के क्या हो, रिलेटेड हो या तो फिर क्या हो, अनरिलेटेड हो, आपको दोनों ही केस में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। पर इनहाउस में क्या लिखा है उन्होंने, इनहाउस में क्या होगा, रिलेटेड होगा तो ही मिलेगा डिडक्शन। फिर आप सब लोगों को याद होगा कि जब आप आउटसाइडर को पैसा देते हो तो उन सब में कितना परसेंट डिडक्शन मिलता है, 100%। एक टाइम पे ऐसा था कि 150, 175 या 200% भी मिलता था, बट अभी वो सब कुछ बंद करके सब पे कितना कर दिया, 100%, ठीक है, सो ध्यान रखना। फिर आपको दे रखा है लॉक इन पीरियड, ठीक है, तो लॉक इन पीरियड आपको कितने साल का दे रखा है, 8 साल का। तो 8 साल का लॉक इन पीरियड इसमें है, मतलब 8 साल तक साइंटिफिक रिसर्च की असेट आपको बेचनी नहीं है, क्या नहीं करनी है, बेचनी नहीं। अगर आप बेच देते हो तो क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होगी, तो आगे एक सेक्शन आएगा थोड़ी देर में, एक सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 41, अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सेक्शन 41 का मतलब होता है क्या, डीम्ड प्रॉफिट। अभी डीम्ड प्रॉफिट क्या होता है कि आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो पीएनएल में डेबिट ले लिए थे, अभी आपको उस एक्सपेंसेस का क्या हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, क्या हो रहा है आपको वो एक्सपेंसेस का क्या हो रहा है, रिकवरी हो रहा है। तो अभी तो आपने तो एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले लिया था, तो वो ज्यादा लिया ना आपने, तो अभी आपको रिकवरी हो रहा है, तो जितनी अमाउंट आपको रिकवर होगी ना उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। जैसे मान लो कि आपने 50 लाख रुपीस का साइंटिफिक रिसर्च का असेट लिया था, जिसमें 50 लाख रुपीस का आपका डिडक्शन ले लिया, अभी हुआ क्या, वो साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट थी ना, वो आपने 20 लाख में बेच दी, कितने में बेची, 20, तो आपके जेब से कितना गया, आपके जेब से कितना गया, 50 लाख रुपीस था उसमें से 20 आ गया ना, तो जेब से गया कितना, 30 लाख ही गया। तो आपको डिडक्शन लेना था कितना, 30 लाख का ही लेना था, पर आपने कितना लिया, 50, तो 20 लाख रुपए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स। तो टैक्सेबल करने की प्रोसेस को सेक्शन 41 में क्या कहा जाता है, डीम्ड प्रॉफिट, क्या कहा जाता है दोस्तों, डीम्ड प्रॉफिट। तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, टैक्सेबल कर देंगे अंडर विद सेक्शन, सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या बताए दोस्तों, वो इन ऑपरेटिव सेक्शन, वो तभी काम करेगा जब उसके अंदर का एक डीमिंग फिक्शन काम करेगा। तो जैसे क्या होता है कि लाइक आपने लास्ट ईयर एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 5 CR का, 5 CR का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अभी हुआ क्या, वो पार्टी जिसको 5 करोड़ रुपए देने थे उनके साथ आपका थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, अभी आपने तो बुक्स में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, 5 CR, अभी उस पार्टी को आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पे 4.5 करोड़ रुपए दिए और वो पार्टी रेडी भी हो गई 4.5 करोड़ लेने के, तो अभी आपका एक्सपेंस टेक्निकली कितना था, 4.5 CR। अभी लास्ट ईयर आपने कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, 5 CR, तो आपने ITR किसके हिसाब से फाइल किया होगा, वो नेट प्रॉफिट में 5 CR माइनस करके किया होगा, बट इफेक्टिवली आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो कितना है, 4.5, तो 50 लाख रुपए आपने ज्यादा क्या किए, डेबिट किए। तो इफ दैट 50 लाख रुपए इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन योर प्रॉफिट वुड हैव बीन द इंक्रीज बाय एक्स प्लस 50 लाख, तो इन दैट केस आपको कितने पे टैक्स देना पड़ता, एक्स प्लस 50 पे देना पड़ता ना,
तो अभी एक काम करो, लास्ट ईयर का तो आईटीआर आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो एक काम करिए आप 50 लाख रुपए अभी क्या दे दो। आप समझ रहे हो सेक्शन 28 में क्या लिखा है कि जो पैसा आप कमाते हो ना वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। तो कमाया कैसे जाता है पैसा? गुड्स बेचकर, ट्रेडिंग कर, ट्रेडिंग मतलब गुड्स का ट्रेडिंग, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं, तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स या फिर कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी कर करके हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम बिजनेस इनकम बोलते हैं ना। तो ये सेक्शन 41 में आप यहाँ पे कोई सेलिंग एक्टिविटी नहीं है आपका, या आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बट सिर्फ आपको क्या हो रहा है, लास्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस जो थे वो आपको अभी क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। जैसे 5 साल पहले कोई व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए का बैड डेट आपका कर दिया, 5 ईयर का पेमेंट उसे नहीं, 5 साल बाद उसको एकदम से अपने पापों का क्या हुआ, प्रायश्चित कर रहे हो, तो अभी उसने 3 CR लेके आया आपके पास और आपको आके पैसा दे दिया, बोलो 3 CR आपका, ऐसे तो 5 करोड़ देना था, बट मेरे पास ये 3 करोड़ ही आप चाहिए तो बताओ, नहीं तो मैं ये भी जा रहा हूँ मैं हरिद्वार, ठीक है ना, वहां बहा दूंगा गंगा। बोलो तो आपने ले लिया उधर 3 करोड़, बोले 3 करोड़, तो 3 करोड़ आते रहे, तभी क्या लगता है आपको, ये बैड डेट रिकवर हुआ ना, तो बैड डेट रिकवर कितना हो, 3 CR बैड डेट रिकवर हुआ, तो 3 CR हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो हमने चर्चा की सेक्शन 41 की, ध्यान रख, एग्जाम में कभी भी आएगा। तो देखो, इन केस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट इज सोल्ड बाय एन असेसी अदरवाइज बीन यूज फॉर द अदर पर्पस, अदरवाइज यूज बीन क्या लिखा हुआ है, अदर। अभी जैसे मैंने क्या बोला, साइंटिफिक रिसर्च आप इन हाउस करते हो तो आपके 2 टाइप के ऑपरेशन, एक तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस है, और दूसरा आपका कौन सा है, स्पेसिफाइड बिजनेस, तभी आपने स्पेसिफाइड नहीं, सॉरी साइंटिफिक वाला एक्टिविटी चल। तो आपने क्या किया, बताया साइंटिफिक रिसर्च आप बंद कर रहे हो, तो आपने सारी असेट जो थी ना साइंटिफिक रिसर्च वाला, उसको किसमें ट्रांसफर मार दिया, आपके नॉर्मल बिजनेस। ऐसा कर सकते हैं ना कि हमारी 2 units हैं, तो 1 unit हम बंद कर रहे हैं, तो वो जो 1 unit जो बंद कर रहे हैं उसकी असेट्स हम 2nd unit में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमने वो साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट को किसमें यूज करना स्टार्ट किया, इन अवर नॉर्मल बिजनेस। तो अभी हम क्या करेंगे, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या हो, तो इसमें उन्होंने समझाया है, अगर साइंटिफिक रिसर्च अदर पर्पस के लिए आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो सेक्शन 41 क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि सेक्शन 41 कब एप्लीकेबल होता है पता है, जब आप असेट को डायरेक्टली क्या करते हो, सोल्ड करते हो, तो आपको उसको ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, ब्लॉक के अंदर। जब आप असेट को किस पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट करते हो, अदर पर्पस के लिए, तो आपको ब्लॉक में ऐड करना है, बट ऐड कौन सी वैल्यू से करना है दोस्तों, 0 वैल्यू से आपको उसको ऐड करना। अंडरस्टूड एवरीवन, कौन सी वैल्यू से ऐड करना है, 0 वाली वैल्यू से आपको उसको ऐड करना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऊपर से जा रहा है, ठीक है। पर अगर आप डायरेक्टली बेचते हो तो डायरेक्टली बेचने पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 40। देन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41, तो उसमें दिया हुआ है सेल प्राइस और डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35, विच एवर इज क्या होगा, लोअर। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेक्शन 35AD डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है, तो स्टार्ट करते, देखिएगा अभी स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर डिडक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि इसको एक इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन का मतलब क्या होता है, कि गवर्नमेंट यहाँ पे आपको डिडक्शन कौन से बेसिस पे दे रही है, जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसके बेसिस पे। तो अभी कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट करवाता है, बोले आप लोग पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपको टैक्स में क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। जिससे टैक्स में क्या बेनिफिट देते हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि जो आपका केपेक्स होता है ना, उस केपेक्स का हम आपको 100% डिडक्शन पहले साल ही दे पाओ। नॉर्मली केपेक्स जो आप करते हो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, तो डेप्रिसिएशन अगर आप लेते हो तो क्या होता है, 100 रुपए माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो कितना धीरे धीरे आपका PNL सेट होगा। पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये टाइम पास मत करो, एक काम करो पहले साल ही क्या ले लो, आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया 100% डेबिट, आपने बिल्डिंग लिया 100%, तो जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो भी असेट्स आपने लिए उन सबका हम आपको 100% डिडक्शन दे देंगे। सिर्फ किसका नहीं देंगे,
वो जो वैकेंट प्लॉट या लैंड आपने जो अक्वायर किया है ना, उसका हम आपको कोई डिडक्शन नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है ना, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपका एक्सपेंस नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ना बोलता डिडक्शन देने से। तो अभी अभी उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। बट स्पेसिफाइड बिजनेस के कुछ नाम जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हूँ कि कौन से ऐसे की एरिया से जहाँ पे गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। जैसे होता है ना कि जैसे एक तो होता है मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हाईवे, रोड हो गया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो ये मेन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एक होता है पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सेक्टर बेस्ड मतलब जैसे मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, वेयरहाउसेज हो गए, कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, तो उसको भी तो हमें बनाना तो पड़ेगा। पर गवर्नमेंट बोले इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो उन्होंने प्राइवेटली क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स को डिडक्शन देना स्टार्ट किया। बोले आप आके क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको टैक्स में 100% डिडक्शन देंगे। अभी होता क्या है, कौन सा ऐसा बिजनेस होगा जो पहले साल ही आपका 100% अमाउंट रिकवर कर दे या 100% प्रॉफिट जनरेट करके दे, ऐसा तो कोई बिजनेस होगा नहीं। तो अभी जैसे ही आप 100% डिडक्शन ले लोगे, जैसे ही आप 100% डिडक्शन ले लोगे तो उससे क्या होगा बाद में, पहले साल तो लॉस ही लॉस आना है, हाँ या ना? और आपने सेट ऑफ के चैप्टर में भी तो पढ़ा होगा ना कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने सेट ऑफ होता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ नॉन स्पेसिफाइड का, तो मैं जानबूझ के स्पेसिफाइड स्टार्ट करूंगा, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, उसमें बहुत सारा लॉस करूंगा जानबूझ के, एंड फिर वो वाला लॉस मैं क्या करूंगा, नॉन स्पेसिफाइड के सामने सेट ऑफ कर दूंगा। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो लुकिंग फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन इन स्पेसिफाइड, बट स्टिल वो लोग इस तरह से कर सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आप स्पेसिफाइड के सामने सेटअप कर सकते, बोले ये तो गलत बात है। तो उन्होंने बोला अनलिमिटेड ईयर्स तक करो बस, इसलिए उसमें कितने साल लिखे, 8 साल नहीं लिखे, कितने साल लिखे, अनलिमिटेड। आप अनलिमिटेड ईयर्स तक उसको क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाँ, बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, जो ITR वाले चैप्टर में मैंने बताया था ना कि अगर आपको कोई भी लॉस हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को छोड़कर अगर आपको कोई भी लॉस है कैरी फॉरवर्ड करना है प्रॉपरली, सेट ऑफ नहीं, क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए आपको अपना ITR अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 से पहले पहले फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। स्टार्ट करते हैं, ये मैंने बता दिया आपको पूरा सेक्शन, इसमें भी लॉग इन पीरियड है दोस्त, कितने साल का लॉग इन है, 5 साल का। सेक्शन 35AD के लिए अगर आप कोई असेट लेते हो तो 5 साल तक आपको उसको सेक्शन 35AD के लिए ही यूज करना होगा। अगर 5 साल के अंदर अंदर उस असेट को अगर आप बेच देते हो तो जितना आपने सेल प्राइस जितना आपने रिकवर किया होगा और जितना आपको डिडक्शन दिया होगा, उन दोनों में से जो कम होगा उतनी अमाउंट हम क्या करेंगे दोस्तों, टैक्सेबल। बट कभी कभी क्या हो सकता है देखना सब लोग कि आपने असेट क्या किया था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ ये राइट, तो आप जब आए तब आप भी लिख लेना, ठीक है। देखना सब लोग, जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ, मतलब आउटसाइड अहमदाबाद या बड़ौदा से है या फिर अपने होम टाउन में है, तो मैं एक फाइल लेक्चर के बाद शेयर करूंगा, वो पूरा वाला ये हाफ फाइल ही है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, तो उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना, ठीक है, जो बाहर से है। ठीक है, जैसे मैंने जो असेट लिया था वो पहले किस पर्पज के लिए था, किस पर्पज के लिए था स्पेसिफिक, फिर मैंने उसको किस पर्पज के लिए यूज करना स्टार्ट किया, नॉन स्पेसिफिक। तो अभी स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड किया तो उन्होंने क्या बोला कि फिर भी हम डिडक्शन क्या कर देंगे, फिर भी हम डिडक्शन क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे, मतलब कुछ अमाउंट क्या होगी टैक्सेबल। तो उन्होंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ डिडक्शन मतलब जितना हमने आपको डिडक्शन दिया था उसमें से क्या माइनस कर देंगे, नोशनल डेप्रिसिएशन हम माइनस कर। तो नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ये जो अमाउंट होगी इसको हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि सर अल्टीमेटली आपने असेट बेचा नहीं है, बट आपने सिर्फ यहाँ पे असेट का क्या चेंज किया है, ये आपने आपने असेट का सिर्फ क्या चेंज किया है, यूज चेंज किया। तो यूज चेंज किया तो भी आप क्या लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो।
तो उन्होंने क्या बोला कि हमने आपको डिडक्शन क्या बोल के दिया था कि आप असेट को किस पर्पज के लिए यूज करोगे स्पेसिफाइड, पर अभी आप किस पर्पज के लिए कर रहे हो नॉन स्पेसिफाइड। तो जो नॉन स्पेसिफाइड के लिए हमारा टैक्स ट्रीटमेंट है वो हम आपको दे देते हैं। तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है नॉन स्पेसिफाइड के लिए? अगर आप असेट पहले से ही नॉन स्पेसिफाइड के लिए ले लेते तो आपको ज्यादा से ज्यादा हम क्या देते हैं? ज्यादा से ज्यादा तो हम आपको डेप्रिसिएशन ही देने वाले थे ना, उससे ज्यादा तो उम्मीद की आप रख भी नहीं सकते हो। ये ध्यान रहे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या कंडीशन है? स्पेसिफाइड बिजनेस, फॉलोइंग स्पेसिफाइड बिजनेस होने चाहिए। तो उसमें की एरियाज में दिया हुआ है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। क्या होना चाहिए? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। दूसरा, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, होटल ऑफ अ टू स्टार और अबव कैटेगरी, हॉस्पिटल एटलीस्ट कितना बेड? 100 बेड्स। बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इन सब बिजनेसेस में आप होने चाहिए। तो इन सब बिजनेसेस में होने से क्या फायदा मिलेगा आपको? जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे इनिशियल ईयर्स में उसका आपको 100% रिडक्शन मिलेगा। बट उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि आपको पैसा न्यू प्लांट एंड मशीनरी में लग। विकास किससे करना है? नए प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी चलेगा। बट उन्होंने बाद में जाके एक्सेप्ट किया कि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% तक होगा तो हम अलाउ करेंगे। फिर उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड होगा ना तो उसको हम नया माने, क्योंकि वो इंडिया के लिए नया है। बट प्रोवाइडेड वो पहले किसी ने इंडिया से एक्सपोर्ट ना किया। मतलब क्या हुआ था कि पहले किसी ने एक्सपोर्ट किया, वही असेट जाके आपने इंपोर्ट कर दिया, तो वो हुआ तो सेकेंड हैंड डोमेस्टिक मशीनरी ना। हाँ या ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो कंडीशन नंबर टू देखो, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, तो उसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग, फिर क्या आईपीआर, आईपीआर मतलब समझ जाओगे ना, पेटेंट टेक्निकल नो हाउ, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, न्यू प्लांट एंड मशीनर उसमें आपको दिया हुआ है, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड अप टू कितने परसेंटेज तक हम अलाउ करेंगे? 20% ऑफ टोटल इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी ट्रीटेड एज अ, क्या क्या मानना है उसको? इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को आपको क्या मानना है? नया मानना है, समझ रहे हो? ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट कंडीशन नंबर थ्री, आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना पड़ेगा? ऑडिट। अगर इस सेक्शन में डिडक्शन चाहिए तो आपको अपना बुक्स क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। लॉक इन पीरियड असेट टू बी यूज ओनली फॉर विच पर्पस? स्पेसिफाइड। एंड फिर लिखने के लिए आपको इसलिए बोला है ताकि आप याद कर सको। कितने साल का लॉक इन है? 5 साल का, 5 years का लॉक इन रहेगा। अगर आपने यूज चेंज किया तो ये वाला टैक्स ट्रीटमेंट होगा। अगर मान लो आपने डायरेक्ट सेल किया, मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट आपने सेल कर दिया, तो डायरेक्ट अगर आप सेल करते हो तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आपका क्या होगा सेल प्राइस और विच एवर इज लोअर, डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको लगता है कि बाद में हम लिख लेंगे वो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 35D। ठीक है, सेक्शन 35D जो मेन तीन सेक्शन थे ना, कौन से 32, 35 एंड 35AD, ये तीन मेन सेक्शन माने जाते पीजीबी, वो खत्म हुए। समझ में आ रहा है? अभी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 35D, दैट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो नॉर्मली उन्होंने ऐसा बोला है कि हम आपको कितने साल में अमोर्टाइज करने देंगे। बट उन्होंने क्या बोला कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप जो बोलते हो ना वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं होता, हम जो बोलेंगे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा
कि कोई एक्सपेंडिचर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्वालिफाई होने के लायक है भी या नहीं, तो कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी नेचर के हो सकते हैं, जैसे एमओए एओए फीस, उसकी ड्राफ्टिंग फीस, समझ में आया, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की फीस, फिर फॉरेन कोलैबोरेशंस की उसकी फीस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, फिर मार्केट सर्वे हुआ, फिजिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया, ये सारी प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है ना, तो इसको हम कौन सा एक्सपेंस बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो इन सबके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको डिडक्शन देने के लिए तैयार है, बट उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है ना, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके प्रोजेक्ट से, क्या आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। हाउएवर द क्वालिफाइंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट असेसी, एंड फॉर कॉर्पोरेट असेसी में क्या लिखा है, हायर ऑफ 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और द कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ, क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस। मतलब आपका मान लो टोटल क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर 8 लाख हो रहा है और आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, आपने कितना खर्चा कर दिया प्रिलिमिनरी के पीछे, 8 लाख का, और आपका प्रोजेक्ट है 1 CR का, तो 1 CR का वो लोग कितना अलाउ करते हैं, तो कितना अलाउ किया उन्होंने, 5 लाख रुपए, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 5 लाख रुपीज हम क्या करेंगे, आपको देंगे डिडक्शन, और वो 5 लाख रुपीज भी कैसे मिलेगा, एक साथ मिलेगा, कि 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख डिवाइड बाय 5, मतलब एवरी ईयर कितना मिलेगा, 1 लाख, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम आपको 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एसएससी व्हिच एवर इज हायर होगा उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी सब छोटे छोटे सेक्शन है, ठीक है, जो स्पेशल सेक्शन है उसमें बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको दे रखा है सबसे पहले अमालगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस, तो अमालगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस कितने साल में डिडक्टेबल होता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, कितने, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सेक्शन याद रखना, अभी तक कितने हो देखो, 32, पीजीबीपी में अच्छे मार्क्स लाने ना, मतलब डीटी में अगर मान लो 65 क्रॉस करना है तो वो पीजीबीपी और कैपिटल की नहीं करवा सकते, आगे तो 50-55 तो आ जाएंगे, पर वो जो एक्स्ट्रा 15 मार्क्स लाने की जो मेहनत आपको करनी है वो आप तभी कर पाओगे जब सेक्शन याद रहते, 32, 35, फिर कौन सा 35AD, 35D, DD, DDA, DD&DDA तो कोई चांस है नहीं आने का, बट स्टिल दे रखा है ताकि एग्जाम के 1-2 घंटे पहले मान लो आप देख के गए तो एटलीस्ट आपको याद तो आएगा, हाँ बोले अमालगमेशन और डीमर्जर एक्सपेंस जो था ना वो 5 साल में क्या था, डिडक्टेबल था। 35DDA में क्या ध्यान रखोगे, अगर आप कोई VRS कॉम्पनसेशन पे करते, तो सर ब्रेक के पहले हमने कुछ VRS पढ़ा था, वो एम्प्लॉय के एंगल से था, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एम्प्लॉयर के एंगल से, तो एम्प्लॉयर के एंगल से क्या है कि अगर आप जो VRS पे करते हो उसका हम आपको 5 ईयर्स में क्या देंगे, डिडक्शन देंगे, मतलब 8 लाख डिवाइडेड बाय, मान लो 8 लाख रुपीज VRS दिया तो डिवाइड बाय 5 करने का, सेक्शन 36 उसमें मैंने लिखा है कि खुद लिख लो सब जो मन में आता है लिख लो, क्योंकि वो कौन सा सेक्शन है, जनरल, जिसका कोई नहीं उसका कौन है 36, जैसे आपको बैड डेट होता है, क्या होता है मैं लिखता हूँ, ठीक है, अगर आपको बैड डेट हुआ, बट बैड डेट क्या होना चाहिए दोस्तों, बैड डेट क्या करना है आपको, रिटर्न ऑफ करना है, क्या करना है, रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट हुआ तो आप रिटर्न ऑफ करो। सेकेंड, अगर आपने क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया हुआ है, फोर्थ आपने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया हुआ है, 5 अगर आपने कोई सैलरी का पेमेंट किया हुआ है, नंबर 6 आपने कोई बोनस एंड कमीशन का पेमेंट किया है, किसको, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है ना, मतलब इसकी लिस्ट काफी लंबी है। फिर आपको मैंने नॉर्मल लेक्चर में बताया था एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, वो सिर्फ और सिर्फ वो बैंकिंग वालों को अलाउ किया है, वैसे इनकम टैक्स प्रोविजन और रिजर्व का कोई डिडक्शन देता नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन कौन से एक्सपेंस का मिलता है दोस्तों, मैंने आपको 1000 बार बोला होगा कि इनकम टैक्स में डिडक्शन कौन सा एक्सपेंडिचर का मिलता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होता है उसका, तो प्रोविजन रिजर्व ये आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है कि सिर्फ एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन होता है,
आ रहा है समझ? तो अगर अगर हम बात करें किसका दोस्तों, डिडक्शन का, तो डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंस का मिलेगा और किसी का मिलेगा नहीं। तो ये सारे जनरल डिडक्शन है। जनरल मतलब आपको इन सब का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका कोई अलग से सम नहीं आता है। तो कौन से देखो, रिपीट, 32 डेप्रिसिएशन, 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 डी स्पेसिफाइड बिजनेस, 35 डी अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, 35 डबल डी अमोर्टाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन एंड डी मर्डर, 35 डीडीए वीआरएस 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। फिर और भी है जैसे 33 एबीए एंड ए डबल टेलीकॉम लाइसेंस फीस, या तो फिर स्पेक्ट्रम आप क्या करते हो, अक्वायर करते हो तो उसका हम क्या देते हैं, जो लाइसेंस फीस आप पे करते हो, तो जो पेमेंट आप करते हो उसके बेसिस पे क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। उसके बाद वो 33 ए बी वाला बताया था, वो अलग से कवर किया है। तो 33 ए बी में क्या था कि आप जो पैसा नाबार्ड में डिपॉजिट करवाते हो और आपका जो प्रॉफिट होगा उसका 40%, उन दोनों में से जो कम होगा उसका क्या मिलता था, डिडक्शन। और उसके बाद मैंने एक बाइफर्केशन बताया था कि अगर चाय होगा तो 60-40, कॉफी होगा और अगर रॉ कॉफी होगा तो 25-70, अगर रोस्टेड होगा या फिर ग्राउंड तो 60-40, एंड रबर होगा तो 65-30, ठीक है। सेक्शन 37 में भी लिखना ही है, सेक्शन 37 में क्या लिखेंगे, एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर बिजनेस पर्पस एलिजिबल फॉर डिडक्शन। Provided it should not incur for which purpose, किस purpose के लिए incurred नहीं होना चाहिए, personal purpose के लिए नहीं होना चाहिए, second contravention of law नहीं होना चाहिए, contravention of law से मेरा मतलब क्या है कि किसी लॉ में आप पेनल्टी पे करके आते हो, पेनल्टी अंडर एनी लॉ, तो आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड दिया हुआ है कि उन्होंने पेनल्टी पे किया हुआ है अंडर कंपनी सेक्ट, तो डिसअलाउ कर देंगे, डिडक्शन मिलेगा। हावेवर, ध्यान से समझना, ये गलती करके आते स्टूडेंट, हावेवर पेनल्टी इन कॉन्ट्रैक्ट, तो पेनल्टी इन कॉन्ट्रैक्ट उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उसमें हम कोई डिसअलाउ करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉ नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशन को ब्रीच करना कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ नहीं है, ओके, ठीक है। अनलेस एंड अदरवाइज आप फ्रॉड करते हो, चीट करते हो, तो बात अलग है। इतना ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सेक्शन 37(2)(ab) एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवेनियर ब्रोशर और द ट्रैक पैम्पलेट एटसेट्रा पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसको हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ। उसका डिडक्शन आपको या तो किसमें मिल जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन देते हो उसका डिडक्शन या तो जीजीबी में या तो फिर किसमें मिलेगा, जीजीसी। इंडिविजुअल को सिर्फ डोनेशन का ही मिलता है, कंपनी को डोनेशन एडवर्टीजमेंट सबका मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं, बात नहीं,
अभी अभी तक जो सेक्शंस हमने किए ना उसमें क्या थे, हम डिडक्शन दे रहे थे, डिडक्शन दे रहे थे। अभी जो हम करने जा रहे हैं ना उसमें जो डिडक्शन उसने ले लिया है उसको हम छीन के वापस ले, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो हमारी बात नहीं मान रहा। क्या नहीं मान रहा है? हमारी बात नहीं मान रहा। टैक्स पेयर जो है वो हमारी बातें नहीं मान रहा है, मतलब डिफॉल्ट कर रहा है। जैसे आप कुछ पेमेंट करते हो तो उसपे टीडीएस क्या करना होता है, आप जो पेमेंट करते हो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना क्या होता है, कंपल्सरी। बट आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया तो अब क्या करेंगे हम लोग? वो जो एक्सपेंस होगा जिस पे टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा ना, वो आपने अपने बुक्स में क्या किया होगा, रिकॉर्ड तो किया होगा, उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। याद आ रहा है कुछ? अगर आप टीडीएस डिफॉल्ट करते हो, अभी टीडीएस डिफॉल्ट दो टाइप के होते हैं। पहला टीडीएस डिफॉल्ट क्या होता है कि एक तो टैक्स क्या था, डिडक्टेबल था बट आपने डिडक्ट ही नहीं किया। दूसरा क्या होगा, डिडक्टेबल था बट आपने डिडक्ट किया बट डिपॉजिट नहीं करवाया। तो उस केस में हम सेक्शन 40 स्मॉल ए उसके अंदर हम आपके एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर देंगे, डिपेंडिंग कि किसको आप पेमेंट कर रहे हो। अगर आप पेमेंट रेसिडेंट को कर रहे हो तो 30% वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करेंगे जिस ईयर में आप डिफॉल्ट कमिट कर रहे हो, और अगर आपने पेमेंट नॉन रेसिडेंट को किया होगा तो 100% डिसअलाउ। बट अगर मान लो कि डिफॉल्ट करंट ईयर का नहीं है, लास्ट ईयर का है, कब का है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो डिफॉल्ट था ना वो करंट ईयर का नहीं था, कब का था? करंट ईयर आपके एग्जाम में कौन सा रहेगा, जो करंट प्रीवियस ईयर है वो आपके एग्जाम में कौन सा होगा, 21-22 होगा, एंड असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 22-23। तो प्रीवियस ईयर 21-22 होगा एंड 22-23 होगा। तो अभी आपका जो टीडीएस डिफॉल्ट था ना वो कौन से ईयर का था, वो टीडीएस डिफॉल्ट जो था ना वो 2021 का था, कब का था, 2021 का, और वो टीडीएस उसने करंट ईयर में डिपॉजिट कर दिया, तो डिडक्शन आपको कौन से ईयर में मिलेगा, करंट ईयर में मिल जाएगा ना। तो करंट ईयर में आप डिसअलाउ करोगे कि अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। आपको समझ आ गया? लास्ट ईयर का टीडीएस डिफॉल्ट है तो हम डिसअलाउ नहीं करेंगे, हम इस करंट ईयर में क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, अगर उसने टीडीएस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई किया है तो। पढ़िए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 40, एनी अमाउंट एक्सक्लूडिंग द सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, टीडीएस नॉट डिडक्टेड एंड टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट, क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिटेड, विथहोल्डिंग टैक्स नॉट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट टिल, कब तक? अगर आपको डिफॉल्ट से बचना है तो क्या करना पड़ता है, अगर आपको डिफॉल्ट से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर की डेट से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, टैक्स क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है, वो टीडीएस। अगर नहीं करवाते हो तो, नहीं करवाओगे तो इसी तरह कितना परसेंट एक्सपेंडिचर, तो टीडीएस डिफॉल्ट इन केस ऑफ रेसिडेंट 30% ऑफ एनी सम पेएबल टू रेसिडेंट, वो हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। और अगर आपने पेमेंट किसको किया होगा, नॉन रेसिडेंट को किया होगा तो कितना परसेंट डिसअलाउ करेंगे, 100%। आया समझ? तो किस ईयर में डिडक्शन मिलेगा, ध्यान से समझना, डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगा, डिडक्शन अवेलेबल इन द ईयर इन विच टीडीएस आप क्या करते हो, टीडीएस आप क्या करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो। अभी याद करो टीडीएस कब डिडक्ट होता है, वो टीडीएस के चैप्टर में तो मैं बताऊंगा, ठीक है। टीडीएस डिडक्ट कब होता है, जिस दिन आप क्या करते हो, बुक में एंट्री करते हो, एंड जिस दिन आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, विच ईयर इज अर्लियर डेट पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। फिर हमें डिपॉजिट कब तक करवाना होता है, तो अंडर सेक्शन 200 सबसेक्शन 1 उसमें हमें टीडीएस कब तक डिपॉजिट करवाना होता है, तो नेक्स्ट मंथ का कौन सा डे, सेवेंथ डे। बट मार्च मंथ का जो टीडीएस होगा वो हमें कब तक भरना होता है, 30 अप्रैल तक भरना होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, सो ये ध्यान रखना। तो ये बुक में एंट्री किया और पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, और डिपॉजिट इस दिन तक करवाना, ये तो टीडीएस चैप्टर में बोला। बट अगर आपको डिफॉल्ट अवॉइड करना है, अगर आपको डिफॉल्ट क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है, डिफॉल्ट अवॉइड से मेरा मतलब क्या है कि आपको डिसअलाउंसेस से बचना है, तो आपको क्या मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो टीडीएस है वो एटलीस्ट आप कब तक डिपॉजिट करवा दो, एटलीस्ट आप डिपॉजिट करवा दो अंडर सेक्शन 139(1) की आईटीआर की डेट से पहले पहले आप उसको डिपॉजिट करवा।
समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो आप बच जाओगे, और अगर नहीं करवाए तो करंट ईयर में हम डिसअलाउ कर देंगे। उसके साथ एक और सेक्शन है, याद करो, अगर आप किसी पार्टी को कैश पेमेंट करते हो, क्या करते हो? कैश पेमेंट, और वो कैश पेमेंट कितने से ज्यादा होता है? 10,000 रुपए से ज्यादा होता है। तो जो 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपने कैश पेमेंट किया होगा तो 100% एक्सपेंस क्या हो जाएगा? उससे मैंने आपको एक रूल भी बताया था, रूल नंबर 6DD, जिसमें अगर आप कुछ पेमेंट कैश में करोगे तो चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो कैश पेमेंट रिसीव करने वाला होता है ना, वो गवर्नमेंट नहीं होता है, इसलिए वो लोग इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। बट अगर मान लो सामने रिसीविंग एंड पे पेमेंट जो रिसीव कर रहा है कैश में, अगर वो गवर्नमेंट हुआ तो, जैसे आप किसी अथॉरिटी को पेमेंट कर रहे हो या बैंक वाले को दे रहे हो या फिर मान लीजिए कि फार्मर को पेमेंट कर रहे हो, तो इन दैट केस हम पेमेंट किस में करोगे? कैश में करेंगे तो चलिए। आ गया समझ में? तो रूल नंबर 6DD अगर एग्जाम में आता है ना तो ध्यान रख के आना, सेक्शन तो लिख के आते हो बट कभी कभी क्या एक्सेप्शन पूछ लिया कि म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट उन्होंने कैश में किया, कितना? 4 लाख। तो जैसे कैश लिखा ना, आपने जाके डिसअलाउ कर दिया, बोले अपने लेवल का आ गया क्वेश्चन, और जाके क्या कर दिया? डिसअलाउ। वो डिसअलाउ नहीं हो, आप डिसअलाउ हो जाओगे। तो मेक श्योर करना है कि रूल नंबर 6DD लिख के आओ उसके अंदर कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर हम 48(3) अप्लाई नहीं करेंगे। 48(3) होगा ना इसका, इसका सेक्शन कौन सा है? 48(3). ठीक है, देखो है ना, मैं कुछ डिसअलाउंसेस के सेक्शन लिखता हूं, आप लोग इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कौन से डिसअलाउंसेस के कौन से सेक्शंस हैं पीडीबीपी में, ये आप कॉपी कर लेना। नंबर 1, TDS डिफॉल्ट 40A, फिर रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये थोड़ी देर में बता रहा हूं मैं, पेमेंट टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप फर्म, इसके लिए सेक्शन है 40B। नंबर 3, कैश पेमेंट 40A3, अगर आप कोई पेमेंट किसको करते हो, रिलेटिव को कोई पेमेंट करते हो और वो क्या होता है? एक्सेसिव होता है। क्या होता है? एक्सेसिव। सेक्शन याद रखना दोस्तों, अगर मार्क्स लाने हैं तो 40A2, फिर 40A7 भी लिखी दो। ठीक है, 40A7, उसमें लिख दो प्रोविजन, किसी भी टाइप का प्रोविजन किया होगा तो डिसअलाउ कर देंगे हम लोग। फिर नंबर 6, सेक्शन 43B, सर्टेन एक्सपेंसेस डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस, आप पेमेंट करते हो उसके बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। कितने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं?
एक मिनट वेट करिएगा। पेनल्टी समझा नहीं, 2 लाख तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई होप आप लोगों ने सेक्शन लिख लिए होंगे। नाउ अभी जो बात कर रहे थे, जो डिसअलाउंसेस की, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी, उसके अंदर एक और डिसअलाउंसेस है जो 40B। ये सेक्शन जो दे रखा है ये आपको किसका दे रखा है, 40B का। इंटरेस्ट सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट जो होता है ना वो सारा पार्टनर को देने का ट्राई करता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पे कितना टैक्स लगता है और पार्टनर के हाथ में क्या लगता है, इसलिए तो व्हाट द पार्टनरशिप फर्म विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू शिफ्ट ऑल देयर प्रॉफिट टू द पार्टनर्स हैंड सो दैट दे हैव टू पे लेस टैक्स लायबिलिटी और लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंस्टेड ऑफ पेइंग द टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। सो गवर्नमेंट ने बोला देखो ये जो आप पीछे के दरवाजे जैसे जो ये सब काम कर रहे हो इसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन, मतलब होता है ठीक है पार्टनर के एफर्ट होते हैं तो आप रेम्यूनरेशन दो, ना नहीं है पर थोड़ा लिमिट में होता है कोई भी चीज, समझ रहे हो। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि 2 पार्ट में मैंने बात की, पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में उन्होंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन टू क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स, मतलब आप किसका पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटरेस्ट का पेमेंट कितना तक मैक्सिमम कर सकते हो, 12%, और वो इंटरेस्ट किसके थ्रू ऑथोराइज होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के थ्रू ऑथोराइज होना चाहिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन तो इंटरेस्ट एक्चुअली पेड और द इंटरेस्ट एज पर द लिमिट अंडर सेक्शन 40B, व्हिचएवर इज क्या होगा, जो लोअर होगा उसका डिडक्शन नहीं, मतलब 12% की जगह 8% ही दिया पार्टनर, तो अच्छी बात है ना, तो हम डिडक्शन कितना देंगे, 8%, पर मान लो 15% दिया है तो 12 ही मिलेगा, तो 3% हमें क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पार्टनरशिप फर्म भी टैक्स पे करेगी तो वो किसके पॉकेट में से पैसा जाएगा, पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगी तो पैसा तो पार्टनर के पॉकेट से ही जाएगा ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरा क्या लिखा है कि सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स, तो हमने ये डिस्कस किया है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को रेम्यूनरेशन आप तभी दे सकते हो जब वो वर्किंग पार्टनर हो और वो पार्टनरशिप फर्म की डीड में लिखा हो कि हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है इट शैल बी ऑथोराइज बाय, क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड, इट शुड बी पेड बाय किसके, मतलब किसको पे करना है, टू वर्किंग पार्टनर ओनली। कितना लिमिट है, तो लिमिट इतना है कि सबसे पहले तो आपको बुक प्रॉफिट फाइंड करना है। Now, ये बुक प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, तो बुक प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रॉफिट एस पर आप क्या निकालोगे, एस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालोगे वो
प्लस आप एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट कौन सा सेक्शन के एडजस्टमेंट करोगे, 28 से लेकर 44 के जो पीडीबीपी के एडजस्टमेंट होंगे वो। एंड प्लस आपने क्या ऐड करना है दोस्तों, जो रेम्यूनरेशन आपने क्या किया है, पे किया है, वो ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है इसको हम क्या बुलाएंगे, बुक प्रॉफिट। तो मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने 60 लाख रुपीज का बुक प्रॉफिट जनरेट किया है, मतलब आप समझ रहे हो ना, सारे पार्टनर्स ने इतना वेल्थ जनरेट किया है बिफोर टेकिंग एनी अमाउंट टू टेक होम। आप लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सारे पार्टनर्स ने मिलकर कितना वेल्थ अक्यूमुलेट किया है, 60 लाख। अभी ये 60 लाख में से वो लोग क्या लेके जाएंगे, रेम्यूनरेशन, कोई ज्यादा ले जाएगा, कोई कम ले जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द एफर्ट ऑफ द पार्टनर। तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये 60 लाख का हम दो पार्ट करेंगे। तो पहले 3 लाख का यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट 3 लाख का हम कितना परसेंट करेंगे, 90%। फर्स्ट 3 लाख का हम कितना परसेंट करेंगे, 90%। तो यहाँ पे 60 लाख है ना, तो इस 3 लाख का 90% करो कितना होता है, 2 लाख कितना होगा, 70। और बाकी बचा कितना, 57। ये 57 का हम कितना परसेंट करेंगे, 60, कितना होगा, 34,20,000। तो कितना रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो मैक्सिमम, 36 लाख। ये दोस्तों मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हो सकता है जो आप पार्टनर को दे सकते हो। बट मान लो आपने 48 लाख दिया है, कितना दिया है, 48 लाख, मतलब पार्टनरशिप फर्म के हाथ में प्रॉफिट कितना होगा, आप समझ रहे हो, पार्टनरशिप फर्म के हाथ में प्रॉफिट कितना होगा, 12 लाख। और रेम्यूनरेशन आपने 48 लाख दिया है, तो बुक प्रॉफिट कितना होगा, 60 लाख। तो गवर्नमेंट बोले ऐसे हिसाब नहीं होता, ये तो आप क्या लेके जा रहे हो, रेम्यूनरेशन ज्यादा लेके जा रहे हो। एक लेवल के बाद आप कॉस्टिंग पड़ती हो ना, एक लेवल के बाद जब सारी चीजें रिकवर हो जाती है तो ऊपर जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो तो सब क्या होता है, प्रॉफिट ही होगा ना, फिर उसमें थोड़ी ना एफर्ट देखे जाते हैं, उसमें तो जो वॉल्यूम होगा वही देखा जाएगा ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या बोला, पहले 3 लाख तक कितना, 90% और 1,50,000 व्हिचएवर इज क्या लेंगे हम, व्हिचएवर इज हायर। फिर हम क्या करेंगे, जो बाकी का बैलेंस प्रॉफिट बचा ना, उस बैलेंस प्रॉफिट का हम कितना परसेंट करेंगे, 60%। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 36,90,000 आया, तो डिडक्शन आपको 36,90 का ही मिलेगा। तो कितनी अमाउंट डिसअलाउ करेंगे इसके, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 11,10,000। तो आपका प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा, 12 लाख प्लस 11,10,000, मतलब आपको टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 23,10,000। आ गया सबको समझ में, इसके क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं बुक के अंदर से, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख सब कुछ दिया हुआ है, बुक प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस क्या करना, एक्सपेंसेस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 28-44, प्लस रेम्यूनरेशन पेड टू किसको, पार्टनर, तब जाके आपको क्या मिलेगा, बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट के दो पार्ट आपको करना, फिर ये ना थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख के दिया हुआ है, अदर डिसअलाउंसेस, अदर डिसअलाउंसेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो सेक्शन के नाम लिखवाया ना, एक था 48-2 में क्या था, किसको पेमेंट करते हो तुम लोग, रिलेटिव को। तो अगर रिलेटिव को पेमेंट करोगे ना, तो रिलेटिव को पेमेंट करने पे हम जो एक्सेस पेमेंट आपने किया होगा उसको डिसअलाउ करें, रिलेटिव को डिसअलाउ नहीं करना, क्या बोल रहा हूँ, रिलेटिव को पेमेंट किया वो भी डिसअलाउ नहीं करना, रिलेटिव को जो एक्सेस पेमेंट किया वो डिसअलाउ करना, या तो रिलेटिव से कम पैसा लिया वो हमें ऐड करना है। मान लो 10 लाख रुपए का गुड्स था, मार्केट वैल्यू 10 लाख का था, और रिलेटिव को 6 लाख में बेचा, तो 4 लाख का अंडर कटिंग किया ना, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, 4 लाख रुपए क्या करो, पीएल में क्रेडिट करो। मान लो 15 लाख के एफएमबी वाले गुड्स जो थे वो 20 लाख में लिए, तो 5 लाख रुपए का अंडर कटिंग किया, तो 5 लाख रुपए आपके प्रॉफिट में क्या कर देंगे, एड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव, तो यहाँ पे अप टू एफएमबी होगा तो अलाउड एज डिडक्शन, एक्सेस ऑफ रीजनेबल अमाउंट होगा तो क्या कर देंगे हम, सेक्शन 40A सबसेक्शन 7, एनी प्रोविजन रिजर्व्स आर नॉट अलाउड एज रिडक्शन अंडर द, क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट। मतलब मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, अभी लिखवाया था, एक देखो 40A 7 था ना उसके अंदर,
किसी भी टाइप का प्रोविजन, किसी भी टाइप का रिजर्व इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा, एक्सेप्ट क्या अलाउ करेगा बताएं? अगर कौन से नेचर का रिजर्व होगा, कौन से नेचर का, स्टैट्यूटरी नेचर का होगा तो चलेगा, मैं लिखता हूं ऐसा इधर, आया समझ में? स्टैट्यूटरी नेचर का रिजर्व होगा तो चलेगा, वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि बेचारा दूसरा लॉ फॉलो कर रहा है, तो इनकम टैक्स वाला ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं तू हमें फॉलो कर, अभी आरबीआई वाले ने बोला बैंक वाले ने कि तुझे रिजर्व करने का, इनकम टैक्स वाले ने बोला रिजर्व नहीं चलेगा, बैंक वाला बोले मैं कहाँ जाऊँ, एक तरफ आरबीआई एक तरफ तुम लोग, तो आरबीआई गया गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री के पास, उसको जाके क्या बोला, तुम लोग सुधार देना तुम्हारे वो इनकम टैक्स, ठीक है ना, हमारे बच्चों को परेशान ना करें, ठीक है, तो रिजर्व तो करने देना पड़ेगा ना, स्टैट्यूटरी नेचर का है, देखे थे ना सम 36(1)(8) था, उसमें वो फॉरेन बैंक्स होता था, तो इसमें इतना परसेंटेज रूरल एडवांसेस दिए तो 10% देना है, 8.5% वाला याद आ रहा है कि, ठीक है, तो ये ध्यान रख। देखो सब चीजें मैं कवर नहीं कर सकता, आपको भी पता है, ठीक है, तो जो चीजें मैं मेरे हिसाब से मुझे लगती है कि जो 85-90% आपको क्या होगी हेल्प कर सकती है, वो मैंने कवर की। सेक्शन बात नहीं, सेक्शन 43B, तो उसमें आप देखोगे तो सेक्शन 43B में क्या था, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप लोग हमारे जितने परिवार के लोग हैं ना उन सब का पेमेंट कर दो। क्यों? क्योंकि उनका पेमेंट बाकी रखना अच्छी बात नहीं है। तो मान लो आपने पीएनएल में ऐसे कोई एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं जिनका पेमेंट अभी तक बाकी है, जैसे कौन सा है इधर लिखा हुआ देखो, किसका पेमेंट बाकी है, रेलवे का, किसका बाकी है, जीएसटी का, कस्टम ड्यूटी का, म्युनिसिपल टैक्स का, या फिर जो इंटरेस्ट पेएबल टू गवर्नमेंट है, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब का पेमेंट दोस्तों क्या है, इन सब का पेमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग। कब तक आउटस्टैंडिंग है, कब तक आउटस्टैंडिंग है, टिल आईटीआर डेट अंडर सेक्शन 139(1). तो ये सारे एक्सपेंसेस जो आप पीएनएल में डेबिट लेके बैठे हो ना, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अगर इन सबका आपको डिडक्शन चाहिए ना, इन सबका अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो सिंपल है, हम आपको एक ही चीज बोलते हैं, इन सबका क्या कर दो, पेमेंट कर। बट मान लो कि सेक्शन 43B तभी एप्लीकेबल होगा ना जब टैक्स पेयर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से बेसिस पे बनाता है, अक्रूअल बेसिस। अगर मान लो कि टैक्स पेयर कैश बेसिस पे अपने बुक्स अकाउंट बनाता है, कौन से बेसिस पे, कैश बेसिस पे, तो आई डोंट थिंक सो 43B एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस पे बना रहा होगा, तो कैश बेसिस पे बना रहा होगा तो उसने तो एंट्री कर दी होगी ना, कैश पेमेंट किया होगा तभी तो किया होगा एंट्री। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, चलिए पीजीबीपी खत्म हो गए, वापस से ब्रेक लेंगे हम लोग, फिर कैपिटल गेन खत्म करेंगे। सेक्शन 41 दोनों हैवी चैप्टर है ना, और तीसरा एक हैवी चैप्टर मेरे हिसाब से सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द टीडीएस, ओके, वो दिया हुआ है उसके अंदर। नाउ सेक्शन 41 जब मैंने स्टार्ट किया तभी मैंने इसमें काफी हमने विस्तार से इस पे चर्चा की, उसमें क्या बोला हमने कि आपने कोई पहले डिडक्शन ले लिया, अभी उसका आपको क्या हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, तो उसको हम डीम्ड प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। तो इसमें लिखा है डीम्ड पीजीबीपी इनकम सब्सिक्वेंट रिकवरी अगेंस्ट, क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट एनी डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम्ड, फिर लिखा हुआ है क्या, बैलेंसिंग चार्ज, क्या बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज किसमें देखो देखने को मिलता है दोस्तों, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अभी टर्मिनल डेप्रिसिएशन आपको कौन से केसेस में देखने को मिलता है, पावर जनरेशन यूनिट में देखने को मिलता है, जो लोग कौन से बेसिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, एसएल में। सेल ऑफ असेट यूज्ड इन व्हाट, सेल ऑफ असेट यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, सोल्ड विदाउट यूज, मतलब मैंने बोला था ना सोल्ड विदाउट यूज इन बिजनेस एंड नॉट सोल्ड एंड यूजिंग इन टू द, क्या लिखा हुआ है, बिजनेस। तो अगर आप डायरेक्ट बेच देते हो, ये किसकी बात कर रहा है, अगर आप क्या बेच देते हो दोस्तों, डायरेक्ट बेच देते हो, तो
डायरेक्ट बेस दोगे तो क्या होगा, जो डिडक्शन आपने लिया होगा अंडर सेक्शन 35 और जो सेल प्राइस होगा विच एवर इज लोअर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। बट अगर मान लो आपने डायरेक्ट सेल नहीं किया, आपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करना स्टार्ट किया, तो उसको कौन सी वैल्यू से ब्लॉक में ऐड करेंगे, जीरो वैल्यू। फिर आपको क्या रिकवर हो रहा है दोस्तों, बैड डेट की रिकवरी हो रही है। तो अगर पहले बैड डेट का डिडक्शन दे दिया था तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। इफ बैड डेट नॉट अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर तो वो क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। समझ आ रहा है? सेक्शन 43CA यहां पे देखो, हम सेक्शन 50C में तो डिस्कस करेंगे, देखिएगा सब लोग। सेक्शन 43CA में क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है कि ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होता है जब बिल्डर किसमें, मतलब कौन सा लैंड एंड बिल्डिंग में आप हो, किसमें हो, लैंड एंड बिल्डिंग, और उसके आप क्या हो, आपके लिए वो है क्या दोस्तों, आपके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड, क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। और अभी आप उसको क्या करते हो, आप उसको क्या करते हो दोस्तों, सेल करते हो, और सेल जो कर रहे हो ना उसमें जो पैसा आप चार्ज कर रहे हो ना वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी क्या है, मतलब आपका जो एक्चुअल सेल प्राइस जो है वो एक्चुअल सेल प्राइस किससे कम है दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी क्या है। तो गवर्नमेंट ने सिंपल ऐसा बोला कि हम टैक्स पर्पस के लिए एक्चुअल सेल प्राइस नहीं लेंगे, हम कौन सा वाला वैल्यू लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी, क्या लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी। तो अभी क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी हम लेंगे इस पर्पस के लिए, तो टैक्स के लिए हम एक्चुअल सेल प्राइस नहीं लेंगे, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। अगर आपने जो कंसिडरेशन चार्ज किया है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम है तो, बट अगर मान लो आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा लिया है तो फिर वो ज्यादा वाला होगा भाई, लेकिन लालची लोग है ना, कम लिया होगा तो क्या, स्टैम्प ड्यूटी, और ज्यादा लिया होगा तो ज्यादा वाला, वो अपने 50C में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 44AA ये आपके लिए मैंने बना के दिया है, तो इसको रीड ओनली कर देना, कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं आपको, टैक्स ऑडिट कब करवाना है, टैक्स ऑडिट आपको। अभी इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, जो 5 करोड़ की लिमिट मैंने आपको बताई थी ना, उसकी जगह आपको कितना लेना है, 10। इफ टोटल सेल्स एंड टर्नओवर एक्सीड किससे ज्यादा होता है, इन केस ऑफ बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा होता है, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करना है, ऑडिट करना है। फॉर्म नंबर भी मैं बता देता हूं आपको, फॉर्म नंबर कौन सा यूज करना है आपको, 3CA। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और एक्ट में ऑडिट होते हैं तो, और प्लस आपको एक एनेक्शर देना पड़ेगा 3CD, ये एनेक्शर है, ठीक है। एंड फॉर्म नंबर होगा 3CB, कौन सा फॉर्म नंबर होगा, 3CB प्लस 3CD। अगर किसी किसी और लॉ में ऑडिट नहीं होता तो आपको 3CB फॉर्म फाइल करना, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन फॉर द पर्सन डूइंग अ डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो ऐसे तो 1 करोड़ तक कोई ऑडिट करवाना नहीं है, ध्यान से समझना, 1 करोड़ तक कोई ऑडिट करवाना नहीं, बट अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से भी क्या होता है फ्रेंड्स, 1 करोड़ से भी क्या होता है, ज्यादा, तो उसमें ऐसा लिखा है 95% पेमेंट एंड रिसीव थ्रू अकाउंट पे चेक, और क्या लिखा हुआ है, ईसीएस, पेमेंट एंड रिसीव दोनों लिखा है। सिर्फ पेमेंट की बात नहीं, आप सिर्फ डिजिटली पैसा रिसीव नहीं करते हो, डिजिटली पैसा देते भी हो, दोनों तरफ है। तो पेमेंट आप 95% पेमेंट आप किसमें रिसीव करते हो, चेक से या तो ईसीएस से, या तो 95% पेमेंट एंड रिसीव दोनों आपका डिजिटल मोड से ही होता है, तो आपको कोई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में आपको ऑडिट कब करवाना पड़ेगा,
जब आपका रिसिप्ट कितने से ज्यादा होता है, 50 लाख से रिसिप्ट आपका क्या होता है, ज्यादा, तब आपको वो क्या करवाना है फ्रेंड्स, ऑडिट करवाना है। बट आपको पता है एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कॉल्ड प्रिजम्प्टिव इनकम, 44AD, 44ADA एंड 44AE, ये तीन सेक्शंस है। तो अगर हम बात करें 44AD का, तो 44AD में क्या होता है कि अगर आप अपनी इनकम 8% से या 6% से कम डिक्लेयर करते हो, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने पड़ेंगे, ऑडिट करवाने पड़ेंगे। तो इसमें लिखा है, इफ सच पर्सन क्लेम्स द PGBP इनकम लोअर देन द प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर दिस सेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर वेदर अप टू 1 करोड़ 50 लाख और क्या लिखा हुआ है लेस, तो भी आपको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई ऐसा क्लेम करता है कि मेरा जो मार्जिन है वो 8% या 6% से भी कम है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करवाने पड़ेगा, ऑडिट करवाने पड़ेगा। फिर यहाँ पे दे रखा है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, सेक्शन कौन सा है, 44AD। एलिजिबल असेसी कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, एक्सक्लूडिंग क्या लिया हुआ है, LLP। प्रिजम्प्टिव रेट कितना है, प्रिजम्प्टिव रेट का मतलब ये लोग पहले से डिसाइड करके बैठे कि आपकी मिनिमम इतनी इनकम होनी चाहिए, और ये जो इनकम मल्टीप्लाई करेंगे ना वो आपकी इनकम आ गया, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई डिसअलाउंस फर्दर होगा नहीं, कोई डेप्रिसिएशन आपको अलग से मिलेगा नहीं। कितना परसेंट है, 8% टर्नओवर किसका, कैश का, और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट या चेक से पेमेंट लिया होगा तो 6%। एंड 44ADA 50% ऑफ द क्या होगा, ग्रॉसेस। एडवांस टैक्स इन सिंगल पेमेंट, मतलब आपको एक एडवांस टैक्स करके चैप्टर बताया था, उसमें 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं, बट अगर आप इस स्कीम में आते हो 44AD में, तो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा निपटा देना है, कब, 15 मार्च को। आ रहा है समझ में, अगर आप अपनी इनकम को 8% या 6% से कम डिक्लेयर करते हो, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी मेंटेन करने पड़ेंगे और उसका ऑडिट करवाना। साथ ही साथ अगले 5 साल तक आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा नहीं। सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44ADA में क्या ध्यान रखना, सेम टू सेम ही है, जो एलिजिबल लोग है वो क्या है, सेम टू सेम ही है, बट वहां पे 44ADA में कितना है, बाकी सब सेम। 44AE क्या बताया था, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है ना, तो क्या था उसके अंदर, अगर बड़ी गड्डी होगी तो कितना, 1000 रुपए पर मैट्रिक टन था ना, और अगर छोटी होगी तो, यहाँ पे देखा हैवी गुड्स व्हीकल लिखा हुआ है, 1000 रुपए पर मैट्रिक टन पर मंथ, एंड 7500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ। ड्यूरिंग द विच ट्रक क्या होता है, ओन था कि यूज था, यूज नहीं था। आपने आज ट्रक लिया तो गवर्नमेंट बोले सेल मार्केट चालू पड़ जाओ, ठीक है, आपने नेक्स्ट मंथ से उसको यूज करना स्टार्ट किया, तो काउंटिंग नेक्स्ट मंथ से नहीं होगा, करंट मंथ से, आपको बस घूमते रहना यहाँ, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ द मंथ होगा तो किसमें लेंगे हम लोग, पार्ट ऑफ द मंथ होगा तो किसमें लेंगे, फुल मंथ। ये कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है, वो जो मैंने आपको बताया था ना, कितना परसेंटेज आपका एग्रीकल्चर होता है, तो कॉफी, सॉरी, रबर में आप देखोगे तो 35% क्या है, नॉन एग्रीकल्चर, एंड 65% क्या है, एग्रीकल्चर। कॉफी में आप देखोगे तो कॉफी ग्राउंड होगा तो 25 and 75, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड होगा तो 40-60, एंड टी में कितना है, 40-60। Done everyone? Clear हो गया? अभी ब्रेक के बाद है ना, हम TDS स्टार्ट करेंगे, कौन सा, TDS वाला पर, ठीक है ना, फिर हम कैपिटल गेन देखेंगे। देखो ऐसे तो मैंने जो आपको बताया कि रिविजनरी प्लस अमेंडमेंट है, बोला अभी तो अमेंडमेंट का बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेंडमेंट आज ही हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें एक दिन और कुछ प्लान करना, ठीक है ना, ओके ना, अमेंडमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, ये क्या चल रहा है, ये रिवीजन चल रहा है, ब्रेक ले लो।
3:20 को मिलते हैं, 20 मिनट का ब्रेक, ठीक है ना, ब्रेक लिख के बाद मिलते हैं। बड़ा चैप्टर अपने खत्म किया, ठीक है ना पीजी।